गांव के सीधे साधे लड़के पर भी तरस नहीं आया चोर उचक्कों को। उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया कि घुराते फिराते अंत में बड़ा तालाब के पास उससे 35,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर भाग निकला। फिलहाल यह नंबर 9955246167 स्विच ऑफ बता रहा है। लूटे जाने के बाद ढेलाव राव रोते गाते कोतवाली थाना पहुंचा। वहां भी उसे लथाड़ा गया। फिर बोला गया, लिख कर लाओ तब होगा केस। तब लड़के ने कहा, हुजूर लिखने पढ़ने नहीं जानते हैं, कैसे लिख कर दे? आप ही लोग कुछ दया कृपा कीजिए, मेरा 35,000 रुपया और मोबाइल लेकर भाग गया। बाद में थाने में मौजूद एक सिपाही ने उससे आवेदन लिखवाया, पर उसे रिसीविंग नहीं मिला। ढीला आज फिर कोतवाली थाना गया था पूछने और आवेदन का रिसीविंग लेने। उससे 3 दिन बाद फिर से थाना में बुलाया गया है। मांडर में रहने वाला ढेला उरांव अपने साथी चमरा उरांव के साथ टेंट का सामान खरीदने रांची आया था। रास्ते में रातू रोड में उसे सड़क पर गिरा 2,000 का नोट मिला। तभी पीछे से दो लड़कों ने उसे टोका, बोला अकेले अकेले। उसके बाद दोनों को 500-500 रुपए थमा कर बोला, अब जाओ। थोड़ा दूर आगे बढ़ा कि पुनः 3-4 लोग आए और बोला कि मेरी माँ का गिरा पैसा तुम लोग पाया है, चलो माफी मांग लो नहीं तो फंस जाओगे। फिर दोनों को बड़ा तालाब के पास ले गया और उनके साथ क्या किया सुने ढेला उरांव से। हम लोग मांडर से आ रहे थे सर, रास्ता में एक लड़का हम लोग को दोस्ती बनाया, मतलब पैसा जो अपना ही फेंका कि क्या किया, 2,000 रुपया था। तो हम लोग कहाँ से आ रहे थे, हम लोग मांडर से आ रहे थे, मेरा भी तो मांडर घर है बोल करके वो 2,000 रुपया पाया। हम लोग बोले कि कितना पाया, 2,000 आसपास होगा, चल जितना भी होगा हम लोग मिल के बांट लेंगे बोल करके। उसके बाद में अपने रखा 1,000 और हम लोग को दिया 500-500 रुपया। अपर बाजार में हम लोग आए सामान खरीद रहे हैं, फिर एक दो आदमी आया, हम आप लोग तीनों पैसा पाए हैं? तो हम लोग बोले हाँ पाए हैं, तो निकाल करके दे दिए, चलो तुम लोग माफ़ी मांग लो। लेडीज का पैसा था बोल करके वहाँ ले गया, हमको बोला कि वहाँ पैसा वैसा ले के वहाँ मत जाना है, यहाँ पर लाए, बड़ा तालाब बिजली प्लांट है वहाँ पर, और पैसा छीन कर मांग लिया ठाक करके और दोनों भाग दिया, चलो हो गया बोल करके। हम लोग टेंट का सामान खरीदने आए थे। कोहराम लाइव के लिए संजय कपड़दार की रिपोर्ट।